हाय गाइस, मैं युमाना सिंह और आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो बहुत से लोगों कमेंट आया सर कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाए, हाउ टू राइट एप्लीकेशन, इसके ऊपर वीडियो दीजिए। तो चलिए, आपके लिए मैं आज आपके रिकमेंडेशन पर आज ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से किसी पत्र को हम लिखेंगे, एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, किसी स्कूल में, किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, एसपी पुलिस, किसको लिखना, सभी को मैं बताऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट लिखाऊंगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो वीडियो के आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास में घंटी का बटन है उसे भी दबा लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले मिल सके। जो एप्लीकेशन लेटर राइटिंग होती है, पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो आइए पहले जो जानते हैं, पहले हम आज आपको मैं बताने वाला हूँ, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखे यदि आप बुखार से पीड़ित हो। तो एप्लीकेशन राइटिंग, एप्लीकेशन मीन्स क्या होता है, प्रार्थना पत्र होता है। तो रिक्वेस्ट किसी के लिए, छुट्टी के लिए, किसी चीज़ के लिए, नौकरी के लिए कुछ लिखते हैं चिट्ठी, उसको हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं। तो जो हमारा लेटर राइटिंग होता है दोस्तों, ये लेटर राइटिंग आई पहले समझ लेते क्या होता है। तो ये लेटर राइटिंग जो होता है, लेटर राइटिंग मीन्स होता है क्या, पत्र लेखन, ठीक है, पत्र लेखन, ये लेटर राइटिंग मीन्स होता है पत्र लेखन। तो ये है किसकी कला, इसको जितना आप लिखोगे, जितना करोगे उतना ही आएगा, ये अभ्यास पर डिपेंड करता है आपके। तो ये पत्र लेखन हमारा दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये हमारे दो प्रकार के होते हैं गाइस। तो एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। दो प्रकार का होता है, फॉर्मल भी होता है औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र और इनफॉर्मल मीन्स अनौपचारिक पत्र, ठीक है। तो ये फॉर्मल किसको दिया जाता है, फॉर्मल हम जो है जो गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट को हो गया, प्रिंसिपल हो गया, एसपी हो गया, इन सबको जो लिखते हैं हम उसको क्या कहते हैं, फॉर्मल लेटर कहते हैं। और इनफॉर्मल किसको लिखते हैं, जो ब्लड रिलेशन होते हैं, मतलब अपने सगे संबंधियों को, दोस्तों को, मित्रों को जो पत्र लिखते हो इसको हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। और जो आपको अपने प्रिंसिपल को, क्लास टीचर को, एसपी, दरोगा, डीएम, इन सबको, या बुक सेलर को, किसी को देते हो उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल लेटर कहते हैं। तो आज फिलहाल मैं आपको, फॉर द टाइम बीइंग, आज मैं आपको फॉर्मल लेटर ही यही बताऊँगा, इसको जो है बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए, आप लिखने की आज की जो स्किल है क्या है उसको समझते हैं। तो दोस्तों, पहले हमें क्या करना होता है कि पहले हम यहाँ क्या लिखते हैं, इस कॉर्नर में आपके लेफ्ट साइड में लिखेंगे टू, लिखकर काम लगे। टू मतलब होता है सेवा में, या बकरी उर्दू में बोले तो बकरीदन बोलते हैं ना, बकरीदन। फिर इसके बाद टू मीन्स हो गया सेवा में। अब यहाँ कामा दे करके नीचे आपका जो है, इसको हम एड्रेस कहते हैं, एड्रेस। तो एड्रेसेस कर रहे हैं यहाँ पर, संबोधित कर रहे हैं। अभी किसको आपको लिखना है वहाँ पर, इसका पोस्ट लिखेंगे। प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो प्रिंसिपल का पोस्ट लिखिए, टू द, थोड़ा कामा दे के लाइन छोड़ देंगे, टू द प्रिंसिपल। अब ये लाइन छोड़ देंगे, ये नहीं कि पूरा यहाँ तक भर देना, भरना नहीं है इसको, शॉर्ट में इतने में ही धरी लिखना है, टू द प्रिंसिपल। अब वहाँ इसके बाद नीचे एड्रेस लिखिए, प्रिंसिपल कहाँ के हैं। तो मान लीजिए स्कूल का नाम लिखेंगे, तो मान लीजिए हम पब्लिक का लिख देते हैं PIC केराकत जौनपुर हो गया, राइट। अब इसके बाद गाइस क्या करना है, यहीं पर नीचे आप अपना डेट दे दीजिए तुरंत। पहले तो डेट नीचे दिया जाता था, लेकिन अब मॉडर्न लेग में डेट यहीं पर ले दिया जाता है। तो यहीं डेट भी आप दे दीजिए, डेट। तो डेट जो भी है, जिस दिन का है उस दिन का डेट दे दीजिए। तो डेट मान लीजिए हम ले लेते हैं, आज का ही डेट दे देते हैं, 27/11/2020, राइट। अब इसके बाद गाइज क्या है, यही नीचे ही इसी के इधर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट
SUBJECT सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स होता है विषय। तो विषय मीन्स क्या होता है, मतलब एप्लीकेशन जब हम आप लिखेंगे तो सब्जेक्ट अगर लिख लेंगे, अगर कोई जल्दी में नहीं पूरा पढ़ना चाहता है तो सब्जेक्ट से ही जान जाएगा क्लियर कि क्या कहना चाह रहा है। तो सब्जेक्ट में शार्ट में लिखिए किस लिए आप एप्लीकेशन दे रहे हो। तो यहाँ पर लिखेंगे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर लीव, एल ई ए वी। अगर छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र है तो एप्लीकेशन फॉर लीव, जिस चीज़ के लिए है वहाँ पर यहाँ पर सब्जेक्ट देंगे। अब कैच क्या है, अब यहाँ जहाँ टू लिखे हो सिर्फ उसी के नीचे नीचे आ जाएंगे यहाँ पर। अब इस लाइन में इधर उधर मत जाइए, इसी के नीचे यहाँ पर लिखेंगे रिस्पेक्टेड। यहाँ संबोधन कारक का रहा है, ये आपका पहले एक एड्रेस हो गया। अब इसके बाद हम संबोधन लिखेंगे, संबोधित करेंगे, एड्रेस करेंगे रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड सर मैडम, सर मैडम फिर कमा लेंगे। तो दोस्तों जो है, अगर टीचर है जेंट्स है तो सर लिखिए, अगर फीमेल है तो अब मैडम लिखिएगा। अब इसके बाद गैज क्या है कि जहाँ से ये लाइन ख़त्म है ये कमा दिए हो, अब यहीं से आप अपने पत्र का हम कमेंसमेंट करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो उसमें आपका बॉडी ऑफ लेटर भी आ जाएगा। तो कुछ भी आप अच्छे शब्दों शुरू कर दीजिए। तो यहाँ से शुरू करिए ड्यू, ड्यू मतलब के इस तरह से ड्यू टू, ड्यू टू रिस्पेक्ट, ड्यू टू रिस्पेक्ट एंड हम्बल, एच यू एम बी एल ई, हम्बल मतलब विनम्र, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ और विनम्रता के साथ, हम्बल सबमिशन, एस यू बी एम आई डबल एस आई ओ एन, सबमिशन मीन्स होता है समर्पण, बहुत ही विनम्र समर्पण के साथ आई। अब इसके बाद जो है यहाँ शुरू से लिखे आई बेग, बेग मीन्स प्रार्थना करना, बेग टू स्टेट, चाहे स्टेट लिखो चाहे यहाँ पर से, स्टेट मीन्स कहना, बहुत ही सम्मान के साथ और समर्पण के साथ मैं कहता हूँ स्टेट अंडर, अंडर मीन्स नीचे, अंडर इस तरह से लगा दीजिए दैट, अब जो हो आप वो लिख दीजिए दैट आई एम, आई एम अ स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, स्कूल या कॉलेज है तो कॉलेज लिख दीजिए, स्कूल या कॉलेज जो भी है वो लिखेंगे, और स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड किस क्लास में पढ़ते हो वो लिख दीजिए, स्टैंडर्ड ट्वेल्थ मान लो तो ट्वेल्थ लिख दीजिए, टेंथ हो टेंथ लिख दीजिए। और फिर उसके बाद अपना जो प्रॉब्लम है वो लिखिए, स्टडी हो गया इसके आप फुल स्टार लिखिए, फिर लिखिए आपको क्या फ्यूर आ रहा है, तो वहाँ से लिखेंगे आई हैव, आई हैव बीन सफरिंग, यस यू डबल एफ ई आर आई एन जी, सफरिंग मतलब पीड़ित, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम, फ्रॉम फीवर। अब यहाँ जो रोग है वो लिखोगे, ठीक है, बुखार आता है, फीवर, पेचिस, डिसेंट्री, डायरिया, हेड सर दर्द करता है, हेडेक, जो भी प्रॉब्लम हो डिसीज का नाम फीवर। अगर कहीं पर आप जा रहे हो आई हैव बीन गोइंग टू सेलिब्रेट मैरिज पार्टी, अगर कहीं जा रहे हो तो यहीं से चेंज करेंगे, आई हैव बीन गोइंग टू सेलिब्रेट मैरिज पार्टी, यहीं से लिखेंगे, ठीक है, यहीं से सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। फ्रॉम फीवर सिंस, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट नाइट फुल स्टाफ हो गया। अब इसके बाद आप लिखिए कि आपके डॉक्टर जो सलाह दिए बेड रेस्ट करने के लिए, तो लिखेंगे माई फैमिली, फैमिली डॉक्टर, डॉक्टर एडवाइज, एडवाइज्ड मी टू टेक, टेक अ कंप्लीट, कंप्लीट बेड रेस्ट, बेड सॉरी बेड रेस्ट मतलब कि बेड रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए बोले हैं। तो अब इसके बाद आप छुट्टी कितने दिन के लिए लेना चाहते हो लिख दीजिए, लिख देंगे फिर सो
आई एम अनेबल अनेबल टू अटेंड अटेंड द क्लास क्लास फ्रॉम डेट, मान लीजिए आपको 1 तारीख से रुक रहे हो 1/12/2020 तो कितने तक रुक रहे हो, क्लास फ्रॉम डेट इतना हो गया, यहाँ आई भी लिख सकते हैं, आई भी दे सकते हो 1/12/2020 टू 5/12/2020, मतलब 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के लिए आप रुक रहे हैं, 5 डेज की छुट्टी हो गई। तो अब यहाँ फुल स्टॉप दे करके अब यह पैरा पूरा यहाँ छोड़ देंगे, तो आ जाएगी अब नीचे, फिर यहाँ लिखेंगे देयरफॉर PHER कामा देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रैंट मी लीव फॉर, अब कितने दिन के लिए रुक रहे हो वो लिख दो, फॉर 5 डेज, फिर लिखेंगे आगे उसी में फॉर फुल स्टॉप, फॉर विच आई वुड एवर रिमेन REMAIN रिमेन ऑफ लाइट OBLIGED ऑफ लाइट टू यू, जिसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। इसके बाद नीचे लिखेंगे थैंक यू, इसी साइड में लिखेंगे, इधर नहीं, वो पैरा छोड़कर नीचे लिखेंगे थैंक यू, मतलब धन्यवाद, थैंक यू ये लिखेंगे। अब इसी के नीचे यहीं पर लिखेंगे, पहले तो इस कॉर्नर में लिखाता था राइट साइड में, कि मॉडर्न स्टाइल में अब लेफ्ट साइड में ही लिखाता है, यहाँ लिखेंगे योर YOUR योर ऑब्डेंटली OBEDIENTLY योर ऑब्डेंटली, अपना नाम लिख दीजिए, चलिए मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ, उमानाथ सिंह हो गया, फिर क्लास लिख दीजिए यहीं पर, फिर रोल नंबर लिख दीजिए, रोल नंबर क्या है ये सब मेंशन यहाँ पर कर दीजिए। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं गाइज, चाहे आपको बारात में जाना है, शादी अटेंड करना है, कुछ भी करना है, सभी यही आपका फॉर्मेट रहेगा, फॉर्मेट सब कोई चेंज नहीं, खाली यहाँ बीच में जो मैटर है वही सिर्फ चेंज होता रहेगा, बाकी सब कुछ इसी तरह से लिखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई हवा नहीं है इसमें लिखने में, कि एप्लीकेशन लिखने में बहुत प्रॉब्लम है, एक बार अगर लिखना शुरू कर देंगे ना आप बहुत सारे लिख लेंगे, तो एक बार इसको अभ्यास कीजिए आप, तो एक बार देख लीजिए फिर पढ़ा देते हैं। जैसे दिया है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, यदि आपको बुखार से पीड़ित हो तो प्रिंसिपल जी को एक पत्र लिखिए, तो टू लिखेंगे फिर द प्रिंसिपल PIC किराकर जौनपुर। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप अपने स्कूल का नाम लिखिएगा, हमारे BSS पर पढ़ रहे थे BSS इंटरनेशनल स्कूल, GR पर पढ़ रहे थे GR इंटरनेशनल स्कूल, प्रसाद में पढ़ रहे हैं तो प्रसाद इंटरनेशनल स्कूल, जो भी स्कूल है वो लिखिए, यहाँ पर एड्रेस लिखिए, फिर यहाँ पर डेट देंगे, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट देंगे, एप्लीकेशन फॉर लीव, एप्लीकेशन फॉर बुक, एप्लीकेशन फॉर परमिट शुगर, जो भी है यहाँ एप्लीकेशन वो लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल लिखेंगे, SP है तो SP लिखेंगे, DM है तो DM लिखेंगे, जो है वो लिख दीजिए। फिर यहाँ रिस्पेक्टेड सर या मैडम, अगर आप सर हैं तो रिस्पेक्टेड सर लिखिए, अगर मैडम है लेडीज है तो मैडम लिखिए, फिर एक कमा देखकर नीचे से लिखेंगे ड्यू टू रिस्पेक्ट एंड हम्बल सबमिशन आई बेग टू स्टेट अंडर दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल और कॉलेज, जो भी हो लिखिए, स्कूल है तो स्कूल है, कॉलेज है तो कॉलेज लिखिए, और स्टैंडर्ड मतलब कक्षा होता है, क्लास 12th या BSc BA MSc जो भी हो लिखिए, और आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, तो यहाँ से आपका मैटर शुरू हो रहा है कि पिछली रात से मैं बुखार से पीड़ित हूँ, और उसके बाद फिर आगे दिया है लास्ट नाइट, फिर यहाँ पर आ जाते हैं माई फैमिली डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट,
तो हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं हमको पूर्ण रूप से आराम करने के लिए सलाह दिए हैं, तो ये आप रीजन दे देती कि हम नहीं आ सकते। तो सो आई एम, इसलिए आप लिखिए सो आई एम अनेबल, इसलिए मैं अनेबल मतलब अयोग्य हूँ टू अटेंड द क्लास, क्लास करने में असमर्थ हूँ मैं। फ्राम डेट 1/12/2020 टू 5/12/2020, मतलब 1/12/2020 से लेकर 5/12/2020 तक मैं नहीं आ पाऊँगा। और उसके बाद लिखेंगे देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 5 days, तो 5 दिन की छुट्टी चाहिए तो फॉर 5 days हो गया। फॉर विच आई वुड एवर रिमेन ऑब्लाइज टू यू, जिसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा, थैंक यू लिखेंगे। उसके बाद योर ऑब्डेंटली, अगर स्कूल में दे रहे हो तो ऑब्डेंटली लिखेंगे, अपने दोस्त को लिख रहे हो तो सिंसरली लिखेंगे, कर्तव्यनिष्ठ, अगर आप किसी डीएम को लिख रहे हो तो फेसबुक लिखेंगे। उसके बाद अपना नाम, स्कूल में क्लास रोल नंबर लिखेंगे या कहीं और हो तो एड्रेस लिख देंगे। तो गाइज आज के लिए कैसी वीडियो थी कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल में नए हो सब्सक्राइब नहीं की हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टिल देन।